इट फील्स फैंटास्टिक. मैं यहाँ स्माइल फाउंडेशन में यहाँ पर पहली बार आया हूँ एंड आई हैव एंजॉयड विद ऑल द किड्स. सारे किड्स मेरी तरफ देख रहे हैं और होली हमने एंजॉय की. यू एंजॉयड इट? जी, एवरीबडी एंजॉयड इट. सो सबने मज़े, सबको मज़े आए. आई थिंक सबके बैग में एक बॉल भी है खेलने के लिए. किसी ने देखा उसमें? एक बॉल भी है उसमें, होली के रंग भी हैं और जो वो होली में खेलेंगे. एंड इट्स बीन अ फैंटास्टिक, आई थिंक ये इट्स अ वेरी प्राइसलेस, आई वुड से कांट रियली कंपेयर इट विद एनी अदर फीलिंग. बचपन की यादें आती हैं क्योंकि स्कूल में अंदर घुसते ही आपको सबसे पहले अपना बचपन ही याद आता है. नीचे बैठ के मैं भी वही बात बच्चों के साथ भी शेयर कर रहा था कि जब हम स्टेडियम में कहीं बाहर हमें ग्राउंड में बिठाया जाता था तो घास जो होती थी हम वो घास तोड़ते रहते थे. आई थिंक बाय द टाइम वो जब फंक्शन खत्म होता था, इवेंट खत्म होता था, तब तक आधी घास टूट चुकी होती थी. सो दीज आर वन ऑफ द वेरी स्टूपिड बट आई वुड कॉल इट, बट बहुत ही फनी मोमेंट्स ऐसे थे जो आई थिंक वेरी कम एंड शेयर विद देम. इट्स यू रिकॉल यू अपना बचपन खुद का याद आता है. सो नथिंग लाइक इट. होली में आप स्पेशली क्या करते हैं? जैसे आज यहाँ के बच्चों से आपने डांस, होली में आप देख सकते हैं मेरे को आज गुलाल लगा दिया गया है. सभी बच्चों ने मुझे गुलाल लगा दिया है और मैं खुद बच्चों के साथ खेल रहा था. तो क्या आई थिंक पानी ना वेस्ट करें, पानी सेव करें. ये तो बच्चे भी बता देंगे क्या होली पे करना है. पानी सेव करना है, डॉग्स को कलर नहीं लगाना है और हमें गुलाल के साथ खेलना है. राइट? सी बच्चों को भी पता है होली से रिलेटेड. मेरी आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे हमेशा अपने दोस्त, अपने जिनके साथ मैं होली हमेशा से खेली थी. मैं दिल्ली से हूँ और मैं मुझे अब 6-7 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए मुंबई में. तो पुरानी यादें हैं जो दोस्तों के साथ. उस वक्त बहुत वक्त होता था सबके पास. अब सबकी शादियाँ हो गई हैं. आई थिंक उस वक्त बहुत टाइम था हमारे पास. हम जाके होली के लिए स्पेशली पार्टी करने जाते थे, दोस्तों को मिलते थे, पड़ोसी जब सब लोग होते थे सब इकट्ठे होते थे और एक दूसरे के साथ होली खेलते थे. वी लुक फॉरवर्ड टू इट इन द मॉर्निंग. तो आई थिंक वो सब चीज़ें फिर से तो वापस आनी मुश्किल हैं क्योंकि अब कुछ और तरीके से होली खेली जाती है. अब बहुत ही फॉर्मेलिटी के साथ, एक फॉर्मल तरीके से खेली जाती है होली. वो यादें आती हैं, दोस्तों की यादें आती हैं जब दोस्त साथ में थे. तो वो तो हमेशा रहेगा. जैसे कि बच्चों का मोस्टली ऐसे गिफ्ट हमें मिलते थे. मुझे याद है एक्लेयर की टॉफ़ी मिलती थी और पेंसिल और ये सब कुछ मिलता था. एक्लेयर घुमाते जो ऊपर से घुमी होती है, चॉकलेट थी. और बर्थडे में ज़्यादा मिलती थी. आई थिंक जब जन्मदिन होते थे स्कूल में बच्चों के तो क्लासमेट्स के, तब विल बी द बेस्ट पार्ट यही होता था कि एक की जगह 2 टॉफी ले लो. हाँ, मैंने एक बार, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आई ऑलवेज लाइक दीपिका पादुकोण फॉर इट. हमेशा से मैंने एक बार काम किया है एड में और आज शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. तो हाँ, उनके साथ होली खेलना चाहूँगा कभी. आई थिंक लाल रंग सूट करेगा. लाल रंग बच्चन साहब का पुराना गाना जो है वो ये हमेशा से फॉरएवर ग्रीन जो अच्छा रहा है. उनको गाना मैं गा अच्छा नहीं सकता, लेकिन मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा जैसे कि मैंने अभी बच्चों को भी बताया है कि डॉग्स को कलर ना लगाएं. लगाएं तो इतना सा लगा दें यहाँ तक, उनको थोड़ी एलर्जी होती है. तो हमें ये नहीं पता होता, हम सोचते हैं कि डॉग्स को कलर लगा देते हैं, खेलते हैं उनके साथ, लेकिन वो बड़े टॉक्सिक कलर्स होते हैं. और कलर्स में टॉक्सिक कलर नहीं, ऑर्गेनिक कलर यूज़ करें, गुलाल यूज़ करिए, पानी बचाइए. इस बार बारिश नहीं हुई, बरसात कम हुई है मुंबई में. और बस ये कहना चाहूँगा और होली मस्ती से बस खेलिए, खुश रहिए.